गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कॉस्ट शीट टॉपिक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लो, जिससे मेरे साथ सॉल्व करने में आपको सुविधा मिले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेयर इनकर्ड फॉर ए जॉब ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 17। एक्सपेंस में देखिए, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, चार्जेबल एक्सपेंस, ये प्राइम कॉस्ट का आइटम हो गया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, चार्जेबल एक्सपेंस। लाइन से तीन ओवरहेड दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड वर्क कॉस्ट हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट निकलने के बाद यहाँ देखिए सेल्स दिया हुआ है 25,000, तो इससे हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम लोग 2017 का कॉस्ट शीट इजिली बना देंगे। यहाँ देखिए लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग द प्रॉफिट अर्न फॉर द ईयर 2017। यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, एंड एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ ए जॉब। एक एस्टिमेट करना है, कोई वर्क का प्राइस एस्टिमेट करना है, जिसको हम लोग 2018 में एग्जीक्यूट करेंगे। 17 का कॉस्ट शीट को बेस करके 18 का प्राइस एस्टिमेशन करना है। मटेरियल वेजेज और चार्जेबल एक्सपेंस के नाम से 8,000, 10,000 और 2,000 रुपया एक्सपेंस होगा। तो प्राइम कॉस्ट का आइटम पता चल गया, मटेरियल वेजेज एंड चार्जेबल एक्सपेंस, लेकिन ये तीन ओवरहेड कितना लगेगा ये बताया हुआ नहीं है, उसी को हमको रिकवर करना होगा, तब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कंप्लीट होगा। यहां देखिए ओवरहेड कैसे रिकवर होगा, बता दिया गया है फैक्ट्री ओवरहेड वेजेज के परसेंटेज से, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का परसेंटेज से। जनरली यही रिलेशन अप्लाई करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए वेजेस से, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड के लिए फैक्ट्री कॉस्ट से। तो ये हो गया क्वेश्चन। हमको पहले ओल्ड कॉस्ट शीट 2017 का कॉस्ट शीट बना लेना होगा, ये तीन परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने कॉस्ट शीट 31 दिसंबर 2017। पहला आइटम था आपका डायरेक्ट मटेरियल्स, दूसरा था डायरेक्ट वेजेज, एंड थर्ड आइटम इज चार्जेबल एक्सपेंसेस, दैट इज प्राइम कॉस्ट का तीनों आइटम मिल गया। डायरेक्ट मटेरियल 5,000, वेजेज आपका 3,000, चार्जेबल एक्सपेंस 2,000, इसको ऐड कर देंगे 10,000, ये हम लोग का हो गया प्राइम कॉस्ट। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, चार्जेबल एक्सपेंस ऐड कर दिए प्राइम कॉस्ट। इसके बाद तीन ओवरहेड आता है, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स अमाउंट दिया हुआ है 3,000, इसको ऐड करेंगे 13,000, इसको बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट। फिर ऐड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ईच 4,000, इसको प्लस कर दीजिए 17,000, इसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का 3,000 है, इसको प्लस कीजिए 20,000, इसका नाम हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ऐड प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि सेल्स पता है, सेल्स का अमाउंट है 25,000,
माइनस कीजिए 5,000 प्रॉफिट। तो ये कॉस्ट शीट है, सिंपल एक कॉस्ट शीट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, चार्जेबल एक्सपेंस ऐड कीजिए प्राइम कॉस्ट, तीन ओवरहेड ऐड होगा, फैक्ट्री ओवरहेड तो वर्क कॉस्ट आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग ओवरहेड टोटल कॉस्ट, सेल 25,000 पता था, प्रॉफिट आपका 5,000। अब हम कुछ वर्किंग करते हैं। एक नंबर, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज डायरेक्ट वेजेस से, फॉर्मूला इज फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेज इनटू 100। आप पहले देखो फॉर्मेट में, फैक्ट्री ओवरहेड 3,000, वेजेज भी 3,000, देख रहे हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड 3,000, वेजेज आल्सो 3,000 इंटू 100, दैट इज 100%। इसका मतलब आने वाला एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में जितना वेजेज होगा उतना ही फैक्ट्री ओवरहेड रखेंगे। दो नंबर, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट, इसका फॉर्मूला देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट इनटू 100। आप फॉर्मेट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देखिए 4,000 है, अब वर्क कॉस्ट देखिए 13,000 है, तो इसका आएगा 4,000 डिवाइडेड बाय 13,000 इनटू 100। 4,000 डिवाइडेड बाय 13,000 इनटू 100, ये आया आपका 30.77, कर लेते हैं 3077%। और एक वर्किंग चलाते हैं, परसेंटेज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट, ये भी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट पे जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट इनटू 100। आप फॉर्मेट में जाके देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 3,000, वर्क कॉस्ट वही 13,000, तो फॉर्मूला में डाटा देते हैं 3,000 डिवाइडेड बाय 13,000 इनटू 100, दैट इज 3,000 डिवाइडेड बाय 13,000 इनटू 100, रिजल्ट इज 23.08%। थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं डेसिमल को, ये हमको कुछ करना ही था। क्वेश्चन में देखिए बोला था, फैक्ट्री ओवरहेड का वेजेज, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग ओवरहेड का फैक्ट्री कॉस्ट बोलिए या वर्क कॉस्ट बोलिए। ओके, और एक वर्किंग कर देते हैं आपको, प्रॉफिट का, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट बाय सेल इनटू 100। प्रॉफिट 5,000, सेल 25,000 इनटू 100। अब देख लो यहां पे, प्रॉफिट 5, सेल 25, ये रिजल्ट हो गया आपको 20%। ये जो परसेंटेज कैलकुलेट किए एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में, फैक्ट्री ओवरहेड वेजेज का 100% ले लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वर्क कॉस्ट का 30.77% लेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी वर्क कॉस्ट का 23.08% लेंगे, और प्रॉफिट के ऊपर सेल 20%, या इसको कॉस्ट पे कन्वर्ट करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट की तरफ। ये रख दिया आपके सामने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट 2018, आने वाला 2018 में मटेरियल वेजेज और चार्जेबल एक्सपेंस 8,000, 10,000 और 2,000 रुपया इनकर होगा। मटेरियल के नाम से 8,000, वेजेज
10,000 और चार्जेबल एक्सपेंस 2,000, इससे हम लोग प्राइम कॉस्ट पहुंच जाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये तीन आइटम एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का बताया हुआ है। मटेरियल आपको 8,000, वेजेस 10,000, चार्जेबल एक्सपेंस 2,000, इसको ऐड करेंगे 20,000, ये हम लोग का आ गया प्राइम कॉस्ट। ओवरहेड तो लगना ही लगना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स का अर्लियर परसेंटेज था 100% ऑफ वेजेज। यहां देखिए वेजेज 10,000 है और परसेंटेज इस्टीमेट हुआ था 100%, तो 10,000 ही आएगा। ये हो गया आपका 30,000, 30,000 का नाम देते हैं वर्क कॉस्ट। एट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का परसेंटेज थोड़ा फ्रैक्शन आया था, वर्क कॉस्ट हम लोग का 30,000 है, परसेंटेज आया था आपका 3077%, 30,000 का 30.77%, 9,231, क्लियर। इसको ऐड कर देते हैं 39,231, इसका नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी वर्क कॉस्ट से होगा, दैट इज 30,000, उसका परसेंटेज आया था 23.08%, 30,000 इंटू 23.08%, 6,924। इसको ऐड करके निकाल लेते हैं वर्क कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। फोर्टी सिक्स वन डबल फाइव इज टोटल कॉस्ट। लास्ट एड प्रॉफिट, तब हो जाएगा एस्टिमेटेड सेल, या इसी को कोटेशन प्राइस भी बोलते हैं, क्लियर। इसको सेल बोलिए या इसको कोटेशन प्राइस बोलिए, थोड़ा परसेंटेज देख लीजिए आप। फैक्ट्री ओवरहेड का 100% वेजेज पे, एडमिनिस्ट्रेशन का 307.77% वर्क कॉस्ट पे, सेलिंग का 23.08 वर्क कॉस्ट पे, अब प्रॉफिट का परसेंटेज देखिए सेल पे 20%। यहां हम लोग को सेल पता नहीं है, सेल ये रहा, ये अगर 100 रुपया सेल हुआ, 20 रुपया प्रॉफिट, तो ये 80 रुपया हुआ, यही कैलकुलेशन शो कर सकते हैं। 46,155 × 20/80, अगर हम लोग सेल को 100 रुपया लेते हैं तो प्रॉफिट 20 रुपया, तो कॉस्ट 80 रुपया, तो ये 80 के बराबर है, तो इसका हम लोग 20/80 कर देंगे, 11,539, 11,539, 57,694, ये हो गया आपका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। थोड़ा सा प्राइस एडजस्ट किए हैं ड्यू टू डेसिमल। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में सबसे पहले आप एक पुराना लास्ट ईयर का कॉस्ट शीट बना लीजिए, पूरा सिंपल, ये 4% निकालना पड़ता है, निकाल लिए। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का मटेरियल वेजेस चार्जेबल एक्सपेंस दिया था, प्राइम कॉस्ट पहुंच गए, विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करते गए टोटल कॉस्ट पहुंच गए। प्रॉफिट का परसेंटेज सेल पे था 20%, तो 20/80 ऑन कॉस्ट कर दिए,
आप इसका भी वर्किंग देख सकते हो, इसको भी वर्किंग में शो कर सकते हैं. लेट सेल 100, प्रॉफिट 20, द कॉस्ट 80. तो प्रॉफिट निकालेंगे तो कॉस्ट पता था 46,155, तो 20/80 करना होगा तो प्रॉफिट आ गया 11,539. क्लियर? इसको भी वर्किंग में दिखा दिया. उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा. ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम है जहां से हम लोग कोटेशन प्राइस कैलकुलेट करते हैं. ठीक है? ओके, थैंक यू.